नमस्कार, आदाब। प्रोग्राम पैगाम हिंद भारत देशना में आपका स्वागत। दोस्तों, हिंदुस्तान की मखसूस मुश्तरका तहजीब का एक खूबसूरत पहलू यह है कि हमारे मुल्क में मौसीकी की रिवायत पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पुरानी है। सिर्फ अपना मुल्क ही वो वाहिद मुल्क है जहाँ फिल्में बगैर गीत संगीत के मुकम्मल नहीं होती। हिंदुस्तानियों को संगीत यानी मौसीकी से बेहद मोहब्बत है। इसमें भी ज़्यादा मकबूल है सूफ़ी संगीत, कव्वालियाँ जो सूफियों से ही मंसूब होती हैं, आज भी बहुत पसंद की जाती हैं और हज़ार साल पहले भी उतनी ही पसंद की जाती थी। मेरे रश्क कमर, कुन फाया कुन या छाप तिलक सब छीनी आज की पीढ़ी को जितनी पसंद हैं उतनी ही पसंद हज़ार साल पहले भी थी। दरअसल सूफी सिलसिले ने हिंदुस्तान की मुश्तरका तहजीब को बहुत सी ऐसी चीज़ें दी हैं जिससे इंसानियत और यकजहती की दागबेल पड़ी हुई है। इंसान इंसान में जात पात को लेकर किए जाने वाले भेदभाव को सूफियों ने पूरी तरह से नकार दिया। रुपए पैसे को लेकर जोड़ कर ना रखना, दान करना, पुरानी शब्दावली में कहें तो अपरिग्रह जैसी मिसालें सूफी पीरों ने पेश की हैं और उसका कोई सानी नहीं। हिंदुस्तान में सूफी सिलसिले के आगाज और देसी रीति रिवाज से मिलकर बुनी गई हिंदुस्तान की तहजीब ने अपने इस मुल्क को एक खूबसूरत गुलदस्ते की तरह सजाया है। सूफी सिलसिले पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली की मशहूर दरगाह हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के सज्जादा नशीन जनाब सैयद सादिक हुसैन निज़ामी और अजमेर के मशहूर ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह से जुड़े सूफी जानकार और गायक जनाब ध्रुव सांगरी। आप दोनों साहिबान का स्वागत। शुरुआत जनाब सादिक हुसैन साहब आपसे करते हैं, ये सूफी सिलसिला दरअसल क्या है और हिंदुस्तान की तारीख में आप इसे किस तरह से देखते हैं, इसका आगाज कब और कैसे हुआ? सूफिज़्म की शुरुआत जो हम लोग मानते हैं ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करी और उन्हीं की ही सब जितने भी ये सिखाया गया। उस ज़माने में असाब सबा का चबूतरा होता था, बाकायदा लोगों को सिखाया जाता था, असाबा ताबईन तब ताबईन के ज़रिए होता हुआ औलिया इकराम में आया और औलिया इकराम में होता हुआ ख्वाजा गरीब नवाज़ इनको बाकायदा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दे के हिंदुस्तान भेजा बाकायदा सूफियों को। अगर हम इस चीज़ को ये सन के हिसाब से देखें तो तकरीबन कब की ये बात है? जब इस्लाम की शुरुआत हुई। सूफीज़म जो है वो इस्लाम की रूह है जी, उसके बिना इस्लाम जो है वो एक तरह से जिस्म की तरह है जो बेजान है। तो आपका इशारा शरिया और तरीक़ा से है या नहीं? जैसे शरिया तरीक़ा तो है ही इसके अंदर जी, शरीयत भी है, तरीक़त भी है, हरफत भी है, हकीकत भी है, तो उन्हीं को उनके ज़रिए ही सूफी सब पैगाम आगे बढ़ाते थे और ख्वाजा गरीब नवाज़ ने भी ऐसे ही किया। सरकार ने शुरुआत करी इसकी, असाबों ने भी, और फिर हिंदुस्तान में वो बाकायदा आया और इस तरीके, क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क था जहाँ पर एक तरह से बहुत नरम दिल लोग रहते थे, मतलब भजन कीर्तन करते जमीन थे, थी जहाँ पर इंसानियत का पैगाम। हाँ, तो यहाँ पर जो है वो चिश्तिया सिलसिला लाया गया बाकायदा, क्योंकि ये बिल्कुल नरम मुल्क था, लोगों से मोहब्बत करना, मोहब्बत से पेश आना, तो इस तरीके से यहाँ पर आया बाकायदा एक समा के ज़रिए, बाकायदा एक म्यूज़िक लेकर आया ढोलक के ज़रिए। तो ये जो समा यानी जो मौसीकी की रवायत थी ये पहले से थी या हिंदुस्तान में आने के बाद ये ज़्यादा? मौसीकी तो पहले हुजूर के वक्त से लेके आज तक, जब हुजूर मदीने में आए जी तो उस वक्त भी बाकायदा धब बजा के आपका इस्तकबाल किया गया। अच्छा। मदीने के लोगों ने इस्तकबाल किया। लेकिन तो, आम धारणा तो ये है कि इस्लाम इसकी इजाज़त ही नहीं देता मौसीकी की, गाने बजाने की। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो उसमें कुछ बिगाड़ हो गया है आजकल। अच्छा, ये बात का ये बाद में बिगाड़ हो गया है, तो वो बिगाड़ होने से फिर वो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने गलत कर दी हैं, जैसे मुँह से बजाने वाले जो चीज़ें हैं, शहनाई हैं, बांसुरियाँ हैं और जो भी है, उनके लिए ज़्यादा इसमें इजाज़त नहीं है। अच्छा। समा के अंदर जो हाथ से बजने वाली चीज़ें हैं बस वो, या फिर और कई चीज़ें। उस ज़माने में छह मजामीर थे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, जिसमें दब भी शामिल था, नगाड़े भी शामिल थे, ढोल भी शामिल था। और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की बात आप जी, उस वक़्त में थे, क्योंकि जंग जब होती थी उस वक़्त नगाड़े बजा करते थे मैसेज देने के लिए। हाँ,
تو اس وقت اور بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو اس وقت شروعات ہوئی، داؤد علیہ السلام کے زمانے سے ہی شروعات ہو گئی تھی، بلکہ پروفٹ سے بھی بہت پہلے ایک پیغمبر اتارا ہی اسی لیے گیا تھا. جی جی، میں باقاعدہ اس کے اندر آپ کے گلے کے اندر آٹھ سور تھے. ان سے دھروپ سانگلی صاحب سے معلوم کر لیتے ہیں، کیونکہ آپ کی نسبت جو ہے وہ اجمیر درگاہ سے ہے. ایک تو بتائیے کیسے جڑے آپ ان سے، اور جیسے ابھی صادق صاحب نے بتایا کہ شروعات ہی وہاں سے ہوئی، بلکہ شاید یہ بھی کہ اس وقت جو ایک دو بڑے شہر ہندوستان کے تھے جہاں پہ جو ٹریڈ روٹ پہ تھے، یعنی جہاں سے ٹریڈ ہوا کرتا تھا، کچھ لوگ تو مانتے ہیں کہ اجمیر زیادہ وہاں پہ ٹریڈ کی ایکٹیویٹیز زیادہ تھیں، اور شاید اسی لیے انہوں نے اس جگہ کو چنا بھی. بہرحال تو اس سے یعنی چشتی سلسلے سے آپ کیسے جڑے اور کیوں جڑے، یہ دونوں ہی باتیں بتائیے. یقیناً جیسا حضرت نے فرمایا کہ میرے حساب سے جو قصیدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پڑھا گیا تھا، تال البدر علینا، کہ آج بدر کا چاند آ گیا ہے، جب وہ مدینہ شریف میں داخل ہوئے تھے اور وہاں پہ اس وقت کے انسٹرومنٹس کو، مزامیر کو بجا کے عورتوں نے مردوں نے یہ چیز گائی، تو یہ ایک قسم کی کمیونٹی سنگنگ جو ہے انبیاء کی شان میں، پھر اس کے بعد امامین کی شان میں، اولیاء کی شان میں، اور دراصل یہی ایک بہت سمپل اوریجن ہم کہہ سکتے ہیں صوفی میوزک کا، کیونکہ ارلی صوفیز میں اگر آپ دیکھیں جیسے حضرت ذوالنون المصری تھے وہ، اور حضرت رابعہ بصری، دیز ور سلیوز جو آزاد کیے گئے، کیونکہ حضور کی ایک روایت تھی کہ سلیوز کو آزاد کر دو، اس سے بڑا برکت کا کام نہیں ہے. تو کئی ان میں سے لوگ جو مسٹیکل تھے، جن کو خدا نے غیب کا علم یا کہیں، یا جنہیں مولانا رومی بندگان خاص علامہ الغیوب کے نام سے ایڈریس کرتے ہیں کہ چوزن پیپل ان اے سینس، جن کو انہوں نے مسٹیکل نالج جو تھے، تو یہ لوگ جو تھے ان کے ٹائم میں بھی سما تھا. اگر آپ دیکھیں تو حضرت ذوالنون المصری سے کسی نے پوچھا کہ سما کو ڈسکرائب کیجئے، ڈیفائن کیجئے، جو ہم پہلے بات کر رہے تھے، تو سمپل ڈیفینیشن انہوں نے دی، جو حضرت بھی جس کی طرف اشارہ کر رہے تھے، کہ جو چیز آپ کو کریٹر سے، خدا سے، معبود سے، ایشور سے جوڑے، وہ آپ کے دل میں ایک فیلنگ قائم ہو، آپ کی روح کو میں ایک ایسی فیلنگ قائم ہو کہ ادھر رجوع ہو، وہ صوفی میوزک ہے. جو چیز آپ کو اس سے دور لے جائے، چاہے اس میں کتنے بھی ڈھول تاشے مزامیر کی بورڈ ہوں، اور چاہے کوئی جتنا ناچ لے، لیکن وہ ایک کھوکھلا پن ہے، کیونکہ ایک طریقے سے آپ اپنے وجود کو جھٹلا رہے ہیں، آپ اس دروازے کو بند کر رہے ہیں، نہ کہ کھول رہے ہیں. تو اس لیے وہ میوزک جو آپ کو ڈیوائن کے قریب لے جائے وہ سما ہے، اور جو اسے دور لے جائے وہ سما نہیں ہے، وہ سما کے پیرامیٹرز میں، اس کے کنسپیکٹس میں جائز ہی نہیں. ٹھیک، پھر اور جہاں تک خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا سوال ہے، وہ بہت لمبا طویل سفر کر کے آئے. اس وقت وہ دور ایسا تھا، منگول انویژن کا دور تھا، تو منگولوں نے جو قہر مچایا ہوا تھا اس سے ایک پورا سینٹرل ایشیا میں پوری جو ایک سیدز کی کمیونٹی تھی وہ ڈسپلیس ہو گئی، اور بہت قتل و غارت بھی ہوا، اور بڑے بڑے شہر جلا کے راک کر دیے گئے. تو اس دور میں مولانا رومی کے والد جو تھے، ان کو یہ خواب میں بشارت ہوئی کہ یہ شہر ایک سال بعد برباد ہو جائے گا، تو وہ اپنے بیٹے کو لے کے، بچوں کو لے کے چلے گئے، وہ ادھر سلجوک سلطنت کی طرف چلے گئے، اور ٹرکی جو ماڈرن ڈے ٹرکی ہے وہاں بس گئے. وہاں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی میٹنگ حضرت شمس سے ہوئی، اور مولوی سلسلہ وہاں سے چالو ہوا. اور ادھر جو ہیں اس سے تھوڑا پہلے کی بھی یہ بات ہے کہ یہاں جو سینٹرل ایشیا میں ٹرانس آکسیانا جسے کہتے ہیں، وہاں جو یہ سب ظلم چل رہا تھا، تو بیسکلی جہاں تک میں نے سنا ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے کو اپنے والد سے ایک چھوٹا سا باغیچہ اور ایک چکی ملی تھی ایز اے پیٹرمنی، تو اسی سے وہ اپنی گزر بسر کرتے، اور لیکن ایک دن انہیں پھر بشارت ہوئی، تو پھر آپ مدینہ شریف گئے، آپ سب اپنا چھوڑ چھاڑ کے. وہاں آپ کو جب آپ نے سلام کیا حضور کے روضے پہ، تو آپ کو جواب آیا وعلیکم السلام یا غریب نواز. وہاں سے پھر آپ کو آپ کی پتہ چلا کہ آپ کی ڈیسٹینی کیا ہے. پھر آپ نے بہت سال بتائے اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے پاس. فائنلی آپ کو خلافت دی گئی ہندوستان میں، تو آپ بہت چکت ہوئے کہ ایسی جگہ جہاں ایک ایلین کلچر ہے، یہ نہ میں وہ زبان جانتا ہوں، مجھے آپ اپنے سے جدا نہ کریں. لیکن انہیں کہا گیا آپ کو وہیں جانا ہے، تو فائنلی وہ پنجاب کے رستے
सेंट्रल एशिया के रास्ते, जिस सिल्क रूट की आप बात कर रहे हैं वही सूफी रूट रहा है इन अ सेंस. और तो वो फिर वही दिल्ली में उनका छोटा ख्याम रहा मेरे ख्याल सुल्तान अल्तमश के टाइम में, वो वहाँ रुके नहीं, लेकिन फिर वो फाइनली वो अजमेर पहुंचते हैं. जी फिर वो अजमेर शरीफ पहुंचते हैं और वो वहीं थे क्योंकि वो जो हक व बातिल की जो जंग थी उनको वहीं वहीं स्टैंड लेना था उधर उन्होंने, और वहीं उन्होंने अपना वहाँ उन्होंने चिल्ले किए अपना अपने जुहद से अपने मुराकबों से मोहब्बत से खलूस से लोगों को अपने पास किया अपने करामातों से जो ऑब्वियसली ऊपर वाले के हुक्म से उन्होंने वहाँ पेश किए लोगों के सामने कि सच और झूठ का पर्दाफाश हो. तो फाइनली एक ऐसी सिचुएशन हुई कि हिंदू मुस्लिम कम्युनिटीज दोनों में उनके इतने चाहने वाले थे, इतनी मोहब्बत वाले थे कि आपने आज भी हैं. और तब वहाँ जाके ये चीज़ें लंगर समा ये इसलिए शुरू की गई लोकल लोगों को, जैसा हजरत कह रहे थे, उनके कल्चर को उनकी स्पिरिचुअल ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए आपने वहाँ पे. और समा में ऐसा नहीं था कि लोकल फोक सिंगर्स भी आते थे, भील भी आते थे. समा से अगर थोड़ा अलग है, एक ये भी कहा जाता है कि जितने भी पीर थे वो तख्त से हुकूमत से एक डिस्टेंस रखते थे, एक दूरी रखते थे. बल्कि शायद हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया साहब के बारे में तो ये कहा जाता है कि भाई उनकी इसमें खानकाह में दरवाजे दो थे कि अगर इधर से बादशाह आए तो मैं दूसरे से निकल जाऊंगा. एक ऐसा दुराव ऐसा होता है कई मरतबा ऐसा हुआ, जैसे आपने नाम सुना होगा अलाउद्दीन खिलजी का. तो वैसे अलाउद्दीन खिलजी बादशाह जो था वो बड़ी मोहब्बत करता था हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से और चाहता था किसी तरह हज़रत से मुलाकात करें. तो एक मरतबा छुप कर बाकायदा भेज बदल के और ढांटा वगैरह बांध के हज़रत के खानकाह में पहुंच गया. हज़रत अमीर खुसरो को ख़बर लग गई तो हज़रत अमीर खुसरो ने हज़रत को बताया कि बादशाह आपसे मिलना चाहते मिलने के लिए आ गया है. तो आपने कहा खुसरो बादशाह अंदर ना आने पाए, उसको वहीं रोक दरवाजे पे रोक दिया जाए. तो हज़रत अमीर खुसरो तलवार लेके खड़े हो गए दरवाजे पर. तो अलाउद्दीन खिलजी बादशाह जब वहाँ पहुँचा तो उसने कहा खुसरो हट जाओ, मुझे अंदर जाना है, हज़रत से मिलना है. कहा हज़रत की इजाज़त नहीं है कि आप उनसे मिलें. कहा तुम जानते हो मैं हिंदुस्तान का बादशाह हूँ, बेशक आप हिंदुस्तान के बादशाह हैं मगर हज़रत की इजाज़त जब तक नहीं होगी मैं कैसे आपको अंदर जाने दूँ. कहा इसका अंजाम जानते हो? कहा मुझे मालूम है. कहा कि इसका अंजाम यही है कि मुझे आप कत्ल कर सकते हैं, मार सकते हैं, मेरी जान ले सकते हैं और अगर मैं हट गया तो मेरा ईमान ख़त्म हो जाएगा क्योंकि पीर का हुक्म जो है वो ईमान के बराबर है. तो वो समझदार था, समझ गया. उसने एक पर्चे पे लिखा कुछ और लिखने के बाद भेजा कि जाओ ये अपने पीर को दे दो. तो उसमें लिखा था कि हमारे यहाँ भी दरबान होते हैं, आपने भी दरबान खड़ा कर दिया, आप में हम और हम में क्या फ़र्क रह गया. तो हज़रत ने उसका जवाब भेजा कि तुम्हारे यहाँ गरीबों को रोका जाता है, हमारे यहाँ बादशाहों को रोका जाता है. क्या बात है, क्या बात है. अच्छा इसका एक एक जो तारीखी पहलू पर आए, जैसे आपने ध्रुव साहब ने बताया कि हम लोग ये पढ़ते हैं किताबों में कि भाई प्रेसाइजली अराउंड 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई के वक्त वो हज़रत मुइनुद्दीन चिश्ती साहब अजमेर में वहाँ उनका क़याम हुआ और बाद में ये सिलसिला फैला काफ़ी. ये जो बुनियादी बातें हैं मैं आपसे इसलिए कि हमारे नाज़रीन भी जानना चाहेंगे कि कुछ चीज़ें हैं जितनी यकजहती जितनी मोहब्बत जो इंसानियत का जो पैगाम सूफियों से मिलता है माशरे में ख़ासतौर पे आज के दौर में वो चीज़ें कम हो रही हैं या नहीं देखी जाती. कुछ लोग तो ये मानते हैं कि भाई ये इस्लाम के जो बेसिक टेनेट्स हैं उसके ख़िलाफ़ हैं, ऐसा भी कई लोग कहते हैं. मैं आपसे ये जानकारी कि जैसे जो इस्लाम के 5 बुनियादी जो पिलर्स हैं रोज़ा नमाज वगैरह वगैरह, क्या इसकी पाबंदी सूफी सिलसिलों में भी वैसी ही है जैसे कि ये रेडिकल्स कहते हैं या कि इसमें कुछ छूट है? इस्लाम ये तो 5 जो रकन है ये तो बुनियाद है इस्लाम की और ज़रूरी है और सूफीज़म में भी ये मौजूद है. हम लोग जितने भी सूफी हजरात गुजरे हैं, वली अल्लाह जितने भी गुजरे हैं, उन सब ने इस पर अमल किया है. अच्छा. और लोगों को सिखाया है बाकायदा. एक मरतबा तो ये वाकया था कि एक शख्स आया कि हज़रत मैं इस तरह मुरीद हूँगा आपसे कि मैं नमाज नहीं पढ़ूँगा. आपने कहा ठीक है आ जाओ. तो मगर हमारी भी एक शर्त है, जब नमाज का वक्त हो तो वज़ू कर लिया करो. तो उसने कहा ठीक है. जब अब एक दिन गुजरा, दो दिन गुजरा, वज़ू करके बैठ जाया करता नमाज के वक्त में.
तो क्योंकि असल मुश्किल काम जो है वो उठकर बिस्तर से वजू करदा है, नमाज पढ़ना मुश्किल नहीं है, आखिरकार वो नमाज पढ़ने लगा खुद ब खुद। तो ये लोगों का तरीका था कि नहीं किसी भी तरीके से वो चाहते थे। अच्छा, एक और चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, ये इत्तेफाक भी हो सकता है कि वो जगह जहाँ हज़रत निज़ामुद्दीन औली साहब की दरगाह है उसके अनकरीब बहुत सारे मशहूर लोगों की भी वहाँ पर कब्रें हैं, मिर्ज़ा गालिब की भी है, हुमायूं का मकबरा भी करीब में है, शायद अब्दुल रहीम खान खाना का भी उसी उसमें है। तो ये इतनी मुकद्दस माना जाता था या क्या उसकी वजह क्या थी? लोग चाहते थे कि एक जो सूफी किंग है, जो अल्लाह का महबूब है, जो उन पर जो नूर इलाही बरसता है, उसके कतरे हम पर भी आए। तो जितने भी बादशाह आज़ाद होते थे, लोग होते थे बड़े बड़े, वो चाहते थे कि हजरत के मज़ार के चारों तरफ हमारा मज़ार बनाएं, ताकि हमारी भी बख्शिश हो जाए, हमको भी अल्लाह ताला अपने गुनाहों से लगी उसे माफ़ कर दे। बस उसी की वजह से लोग चाहते थे मज़ारे मज़ार। आपने एक हवाला दिया था कि मिर्ज़ा गालिब भी दरगाह पर आते रहे और वो अकीदे के तौर पे, जैसे इस्लाम में है कि 3 दिन तक अगर वो चीज़ ना की जाए तो वो 3 दिन पहले शराब छोड़ दिया करते थे। मिर्ज़ा गालिब शराब छोड़ देते थे 3 दिन के लिए, और उसके बाद फिर वो बाकायदा हाजिरी के लिए आते थे ताकि 3 दिन में वो उनका हो जाए, और अपनी जबान से चौखट को चाटते थे हज़रत अमीर खुसरो की और कहते थे गालिब तेरे कलाम। हाँ, हज़रत अमीर खुसरो की चौखट चाटते थे ना, क्योंकि हज़रत अमीर खुसरो को ही तो लब चटाया था। हज़रत निज़ामी औलिया ने अपना लब हज़रत अमीर खुसरो के लब से लगा दिया। अच्छा। क्या आपने कहा कि हज़रत को ऐसा कर दीजिए कि लोग मुझे खुसरो खुसरो पुकारें, तो आपने अपना लब लिया और उनके लब से लगा दिया, कहा कि जाओ खुसरो आज से तुम्हारे जो कलाम है उसमें शीरी पैदा हो जाएगी और तुमको लोग शीरी सुकन कहेंगे। तो मिर्ज़ा गालिब उसी की दुहाई दिया करते थे कि हज़रत मुझे भी ऐसा कुछ कर दें कि मुझे भी लोग गालिब गालिब पुकारें, मेरे कलाम में भी वो शीरी पैदा हो जाए। तो कहते थे कि गालिब तेरे कलाम में क्यों कर असर ना हो, धो के पी रहा है तू शीरी सुकन के पाऊँ। क्या बात है। तो इसी वजह से, और कोई वजह? ध्रुव साहब, एक मुख्तर सा सवाल ये है कि सूफी सिलसिले में ये बैत क्या है और कौन इसे ले सकता है? देखिए, बैत जो है दरअसल, अगर आप कुरान शरीफ में एक फ्रेज़ आया है अहले बैत, ठीक, बेसिकली ये इशारा करता है जो प्रोफेटिक लीनियज है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो ब्लड फैमिली है, जो डायरेक्ट डिसेंडेंट्स हैं, और उनमें जो सबसे पहले वो लोग थे जिन्होंने उनके हाथ पे बैत ली और इस्लाम का मैसेज कबूल किया, और जो इनमें उनकी वाइव्स थी, उनके कज़न्स थे, उनके फैमिली मेम्बर्स थे, और जिनमें सबसे ज़्यादा मकबूल जो जिन्हें हम पंचतन पाक के नाम से जानते हैं, जैसे हज़रत अली, हज़रत फ़ातिमा, हज़रत हसनैन, तो इन लोगों को हम अहले बैत के नाम से जानते हैं। तो सूफ़ी मेरे ख़्याल से, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये मानते हैं कि वो जिस हाथ पे, जैसे हुजूर के हाथ पे बैत ली गई, से उन्होंने दी बैत और फिर मौला अली ने उनसे बैत करी, इस तरीके से जो सिलसिला एक चला आ रहा है, ये कड़ी जो चली आ रही है, गोल्डन चेन जैसे हम कह सकते हैं। तो आज भी अगर जब एक मुरीद, एक पीर एक मुरीद को इस काबिल समझता है कि उसे वो मुहीब से अपना मुरीद बना ले, तो वो जो बैत करी जाती है तो वो माना जाता है कि जैसे वो उसी सिलसिले से फिर आप जुड़ जाते हैं। पर इसकी ऑफ कोर्स कुछ शर्तें होती हैं, इसके कई, इसके पीछे छुपी हुई एलिजिबिलिटी होती है। तो मैं हजरत से मैं इशारा करूंगा जो है वो अलग तरीके है हजरत, क्योंकि बैत जो है जब हुजूर मेराज शरीफ पे गए और बाकायदा अल्लाह तबारक ताला से मिले और वहाँ से वापस आए, तो बहुत सारी चीज़ें लेके आए, नमाज़ें, सब चीज़ें दुनिया को तोहफे के तौर पर अल्लाह ताला ने भेजी, और फिर आने के बाद एक पेड़ के नीचे खड़े होकर तमाम असाबाओं को बुलाया और वहाँ सबसे बैत ली, और उसके बाद बैत लेने के बाद वो असल बैत वो है, उनको सबको बाकायदा एक साथ बुला के सबसे बैत ली और सबके पीर कहलाए गए, और उसके बाद फिर सिलसिले आगे बढ़े, फिर एक खरखा लेकर आए जो बाकायदा अल्लाह ताला ने तोहफे में दिया, और फिर वो थरखा होता होता हज़रत अली के पास आया। तो जितने भी सिलसिले थे ज़्यादातर मौला कायनात से शुरू हुए हैं, एक सिलसिला हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से भी है, नक्शबंदिया, हाँ, और जो उनके बाद जिन्होंने उनसे उनके असाबाओं से बैत ली फिर लोगों ने बाद में, तो फिर वो बैत ली, फिर उनके बाद फिर उनके मुरीदों ने, फिर उनके मुरीदों ने, फिर इस तरह ये बैत का सिलसिला वो
आज तक कायम दायम है। अब भी मैं इस सिलसिले को संभालता हूँ, मेरा भी सिलसिला चिश्तिया निज़ामिया अशरफिया है, मेरे आगे भी लोग आते हैं बैत लेते हैं, और बैत मतलब मुरीद करना, बैत मतलब मुरीद शिष्यत्व तो देना, हाँ अपना मुरीद मेरा अपने तो मुरीद बना लेता है। उसके बाद फिर बैत के बाद फिर खिलाफत दी जाती है उसको एक बड़ा, जैसे प्रॉफिट मोहम्मद ने चार लोगों को अपना खलीफा बनाया, तो खलीफा राजदीन रहे, उनके ज़रिए फिर वो लोग बैत लेते रहे। बैत हर कोई नहीं कर सकता, जो खलीफा होता है वही बैत कर सकता है। अच्छा, मुरीद तो बहुत होते हैं, खलीफा जैसे प्रॉफिट के चार रहे तो उन चारों खलीफाओं ने बैत अपने फिर करी, मगर मुरीद जो है वो सब होते हैं, असाबा सब हैं मगर खलीफा चार थे। इसी तरह फिर उनके ख्वाजा हज़रत अली के बाद ख्वाजा हसन बसरी आया, उन्होंने अपने खलीफा भी बनाया मुरीद भी बनाया, फिर इस तरह होते 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 आज तक वो सिलसिला बैत का कायम दायम है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों साहिबान का, और बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत एजुकेटिव जानकारियाँ आपने दी, शेयर की हमारे नाज़रीन के साथ। हमें उम्मीद है कि सबको पसंद आई होंगी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, इस प्रोग्राम पैगाम हिंद यानी भारत देशना के ज़रिए हमने आज हिंदुस्तान में सूफ़ी सिलसिलों के बारे में कुछ बातें आपके साथ शेयर की। उम्मीद है ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। सूफ़ी सिलसिलों में हमारी तहजीब को कितने मुख्तलिफ रंग अता किए हैं इस बारे में आपको कुछ जानकारी ज़रूर मिली होगी। हिंदुस्तान की मखसूस तहजीब व तमद्दुन से जुड़े कुछ और प्रोग्राम लेकर फिर हाजिर होंगे। इस प्रोग्राम के बारे में कुछ कहना चाहते हों तो हमें मेल कर सकते हैं या चिट्ठी भी लिख सकते हैं। पैगाम हिंद यानि भारत देशना ज़रूर देखा कीजिए। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार, आदाब।